रीसेंट डेज में बहुत से लोगों को ये कहते हैं सुना कि हमारी तो किस्मत खराब है, भगवान ने पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिख दिया, अपना तो भाग्य ही खराब है, डेस्टिनी खराब है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हमारी किस्मत कोई और लिखता है या भगवान लिखते हैं हमारी किस्मत? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो समझ लेना कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करने से हमेशा वंचित रह जाएंगे, आप बच जाएंगे सक्सेस को हासिल करने से। क्योंकि हमसे कुछ भी अगर जिंदगी में गलत होता है या सही नहीं हो रहा या टाइम सही नहीं चल रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम भगवान को दे देते हैं, किसी और को देखिए इसकी वजह से खराब हुआ, उसकी वजह से दिक्कत हुई, भगवान की वजह से, भगवान ने किस्मत ऐसी लिखी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो समझ लेना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है अगर आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पर डाल देते हो। बहुत इजी है ये सिचुएशन से एस्केप करने का सबसे इजी तरीका है कि भगवान पर डाल दो, भगवान ने किस्मत लिखी है। अगर आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, सो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपने जो भी जिंदगी में पाया है उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जो भी पीछे काम किए हैं, पास्ट में जो भी कुछ किया है उसकी वजह से हमारा फ्यूचर डिफाइन होता है। जो भी हमने काम किए हैं उसकी वजह से आज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। और भविष्य भी वैसा बनेगा जैसा आप सोचोगे। भविष्य कौन बनाता है, कौन किस्मत बनाता है? हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। जैसा चाहें वैसा फ्यूचर हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा भविष्य डिजाइन कर सकते हैं। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, पहले था आज नहीं है, आज वो निकल चुका है, जो हो गया उसे छोड़ो। नो वन कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगिनिंग, बट एवरीवन कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल फ्यूचर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स इन योर हैंड्स एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। दूसरों को दोष देना बंद करो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों से भी ज्यादा भगवान को दोष देना बंद करो। कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान वापस पलट कर जवाब नहीं देने वाले, इसलिए सबसे आसान है भगवान पर डाल, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और इतना सा कहने से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इतना सा कहने से कामयाबी से भी छुटकारा मिल जाता है। जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी कुछ गलत हुआ, जो भी कुछ अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और कुछ अगर इतना सा भी गलत हो गया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। भगवान हमारी किस्मत नहीं लिख रहे। हाँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, इस धरती पर कब आना और इस धरती से कब जाना, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जिंदगी है उसमें क्या करना, इसकी जिम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसे जिंदगी को कैसा बनाना है, ये हमारे हाथ में है। हमारा अपना भविष्य हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमारी किस्मत इन्हीं हाथों में है जो हम खुद लिख सकते हैं, खुद बदल सकते हैं और खुद बना सकते हैं। जो पास्ट में हो गया उसका रोना रोना छोड़ो। आज जो आप एक्शन लोगे उसकी बदौलत आने वाला फ्यूचर निर्माण होगा, उसकी बदौलत आने वाली किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी तय होगी, जैसा आप आज कर रहे हो, जैसा आप आज सोच रहे हो। दूसरों पर डालना बंद करना होगा। आज आप देखो छोटी छोटी चीजें हस्बैंड वाइफ पर डाल देता है, वाइफ हस्बैंड पर डाल देती है, दोनों मिलके बच्चों पर, बच्चे पेरेंट्स पर, पेरेंट्स सोसाइटी पर, सोसाइटी गवर्नमेंट पर, ये ब्लेम गेम चलता ही जा रहा है। और ये ब्लेम गेम जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी सक्सेस से हम लोग दूर होते जाएंगे। क्यों बहुत थोड़े लोग कामयाब हैं, क्यों हर कोई कामयाब नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करे? क्योंकि ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग दूसरों पर ब्लेम डालने में लगे हैं, ब्लेम गेम खेलने में लगे हैं कि मेरी वजह से नहीं हुआ, दूसरों की वजह से हुआ। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इसलिए मैसिव सक्सेस से बहुत ज्यादा दूर है। जैसी इन्वेस्टमेंट आप अपनी जिंदगी में करोगे वैसी कामयाबी हमको भविष्य में मिलेगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने अगर सुना होगा आजकल बहुत से लोग आते हैं म्यूचुअल फंड, SIP पॉलिसीज, FDRD, बहुत सी इन्वेस्टमेंट वाले प्लान लेकर आते हैं। आप देखेंगे वो ये समझाते हैं कि आप इतना पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टेन्योर तक डिपॉजिट कीजिए और कुछ टाइम के बाद, एक टेन्योर के बाद 20-30-40-50 साल बाद आपके रिटायरमेंट पर आपको इतना अमाउंट 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 50 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर आप लगातार इतने टाइम तक इतना अमाउंट 10-20-25-30 हजार रुपए डिपॉजिट करते हो तो। अब आप उनसे सवाल पूछो कि अगर मैं 5 रुपए महीने के डिपॉजिट करूं तो वह जवाब देंगे जी 15 जन्म लग जाएंगे आपको ये अमाउंट लेने के लिए। यही हमारे साथ जिंदगी में हो रहा है। हम जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। हम बड़ी इनपुट डाल रहे हैं तो बड़ा आउटपुट मिल रहा है, हम छोटी इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आउटपुट मिलने में। कुछ छोटा करना ना करने के बराबर है। अगर जिंदगी में मैसिव सक्सेस चाहिए, इतना बड़ा रिटर्न आप चाहते हैं, तो आपको इनपुट उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा। आप अपने आप से बात करो, खुद से पूछो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुद से अकेले में बात करो, पूछो कि क्या जितनी बड़ी सक्सेस मैं चाहता हूं, जितनी बड़ी जिंदगी में जीना चाहता हूं, उतने बड़े बड़े इनपुट्स में डाल रहा हूं?
उतने एक्शंस में ले रहा हूं, अगर नहीं ले रहे तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज से ही टाइम का सही इस्तेमाल आपको करना शुरू करना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी में कुछ मैसिव करना पड़ेगा, तब मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हम इसी चीज में अटके रहे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो समझ लेना किस्मत वाकई में ही खराब है, क्योंकि ऐसा बोल बोल कर आप अपनी किस्मत को ये ऑर्डर दे रहे हो कि मेरी किस्मत और खराब करो। ऊपर वाला हमें किस्मत नहीं देता, ऊपर वाला अगर कुछ देता है तो वो सिर्फ स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, जिससे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। चाहे तो अपनी किस्मत बना सकते हैं, चाहे तो अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे खुद के हाथ में है, किसी और के हाथ में ये पावर नहीं है। दूसरों को दोष देना बंद करो, दूसरों पर जिम्मेदारी डालना बंद करो। अगर जिंदगी में कुछ मैसिव करना है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक मैसिव एक्शन। तीन चीजें, तीन काम करने पड़ेंगे अपना भविष्य बनाना है। सबसे पहली हमारी सोच हमारा भविष्य बनाती है, दूसरा हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा भविष्य बनाते हैं, और तीसरा हम जैसी नियत रख रहे हैं वो हमारा भविष्य बनाती है। हम जो सोच रहे हैं वैसा हमारा भविष्य। आप सोच रहे हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर जो इंसान, जो भगवान, जिसको भी जो भी नाम दो, जो बैठा है वो आपके ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बैठा है। आप बार बार बोलो मेरी तो किस्मत खराब है, वो कहेगा तथा किस्मत खराब तो खराब। आप बोलो कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं, मैं अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा, तो वो ऊपर से कहता है तथास्तु। आप जो मांगोगे वो देने को तैयार है, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसा इनपुट आप डालोगे वही रिजल्ट आपको मिलेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट डालोगे उस पर रिटर्न मिलेगा, और अच्छी इन्वेस्टमेंट डालेंगे अच्छा रिटर्न मिलेगा, बुरी इन्वेस्टमेंट करेंगे बुरा रिटर्न मिलेगा, और ज्यादा होकर के मिलेगा, क्योंकि टेन्योर के साथ, टाइम के साथ उस पर ज्यादा एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, आपको वो बढ़कर मिलेगा। यकीन मानना, अच्छा करोगे अच्छा अच्छा ही बढ़कर के लौटेगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आपने की है उसी तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, जिस नियत से काम करते हो वैसा रिटर्न मिलता है। आप पहले दो पॉइंट्स को भूल जाओ कि कैसी सोच रख रहे हो, कितना काम कर रहे हो, लेकिन तीसरी चीज को हमेशा याद रखना, आप जिन वाइब्स के साथ उस काम को कर रहे हो, आप जिस नियत के साथ उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वैसा रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, अगर थर्ड पॉइंट पर आपने फोकस किया तो। आप देखना, अगर थोड़ा सा भी अच्छा सोचो किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए इतना सा भी अगर आपने दिन में अच्छा किया हो, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आपके हाथ में है कि आप कैसा कर्म करते हो, कैसी सोच रखते हो, और कैसी वाइब्स रिलीज करते हो, किस नियत से काम करते हो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जिंदगी बदलनी है तो कुछ मैसिव करना पड़ेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और भगवान पर डालना बंद करना पड़ेगा अगर कामयाबी हासिल करनी है तो। सो गेट अप, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बी हैप्पी, बी अलाइव।